फ्रेंड्स, अभी एक बुरी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो लोग भी इस समय भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले थे। उनके लिए लुफ्तांसा एयरलाइन एक अच्छा साधन था, जिसके माध्यम से भारत से ज्यादा लोग दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी की प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सरकार लुफ्तांसा की उड़ानों को अक्टूबर महीने से अपने यहाँ पर उड़ने की परमिशन नहीं दे रही, जिस कारण से लुफ्तांसा ने भारत के लिए 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अपनी सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। फ्रेंड्स, ये सच में एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने टिकट की बुकिंग करा रखी थी और जिनको इस समय अर्जेंट बेसिस पर ट्रैवल करना था। उन लोगों के लिए सच में ये एक बहुत बड़ा झटका है। फ्रेंड्स, अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत सरकार ने लुफ्तांसा की उड़ानों को परमिशन क्यों नहीं दी, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि लुफ्तांसा ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो आप ये पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं कि लुफ्तांसा की तरफ से क्या बोला गया है उड़ानों को कैंसिल करने के बाद। तो यहाँ पर लुफ्तांसा की तरफ से ये जवाब आया है कि भारत अक्टूबर महीने से लुफ्तांसा की उड़ानों को परमिशन नहीं दे रहा, जिस कारण से लुफ्तांसा अपनी उड़ानों को कैंसिल कर रही है। यहाँ पर लुफ्तांसा ने ये बताया है कि जर्मनी भारत सरकार से अक्टूबर महीने में उड़ानों को ऑपरेट करने की इजाजत मांग रही थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलने के बाद लुफ्तांसा अपनी उड़ानों को कैंसिल कर रही है। ये जानकारी लुफ्तांसा के हवाले से आई है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत और जर्मनी ने एयर बबल्स के जरिए जुलाई महीने में उड़ानों को शुरू किया था, जिसमें दोनों देशों ने ये सहमति बनाई थी कि दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनी अपनी अपनी उड़ानें ऑपरेट करेंगी, जिसमें कि भारत से एयर इंडिया अपनी उड़ानें जर्मनी में ऑपरेट कर रही थी और साथ ही साथ जर्मनी की एयरलाइंस लुफ्तांसा भारत में अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही थी। और इस एग्रीमेंट की एक जरूरी बात ये थी कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को ये परमिशन दिया गया था कि वह केवल भारत से जर्मनी और जर्मनी से भारत ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेंगी। लेकिन यहाँ पर लुफ्तांसा जर्मनी के अलावा दूसरे लोकेशंस के पैसेंजर्स को भी फ्लाइटों में ट्रैवल करने की परमिशन दे रही थी। इसके अलावा जर्मनी भारत के लोगों को अपने यहाँ पर ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दे रही थी, जिस कारण से भारत की एयर इंडिया बहुत ही कम उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन लुफ्तांसा एयरलाइन भारत में अपनी ज्यादा उड़ानें ऑपरेट कर रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार लुफ्तांसा सप्ताह में 20 उड़ानें भारत के लिए ऑपरेट कर रही थी, वहीं एयर इंडिया केवल 4 से 5 उड़ानों को ही जर्मनी में ऑपरेट कर पा रही थी। ये भी एक बड़ा कारण है जिससे कि भारत सरकार ने लुफ्तांसा की फ्लाइटों को कैंसिल किया है। यहाँ पर लुफ्तांसा की तरफ से ये बोला गया है कि यदि भारत सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाएगा तो वह अपनी उड़ानों को अक्टूबर महीने में दोबारा से शुरू कर देगी। लेकिन अभी इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। इसके ऊपर जैसे ही कोई और जानकारी आएगी, हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये खबर सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। हम आपको इस खबर के ऊपर लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो उसके लिए जरूरी रहेगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।